नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों, नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसा कि हम लोग अपने चैनल में रोजाना आपके लिए नए नए जॉब अपडेट लेके आते हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हो। तो ये रिक्रूटमेंट दोस्तों जो है वो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एंटरप्राइज है, ऑनलाइन मोड से आपको आवेदन करना है। अच्छी बात ये है कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं और SC ST कैंडिडेट, इनके लिए किसी भी तरह की फीस का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए कर सकते हैं। 18 मई से आवेदन शुरू हो रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नोटिफिकेशन भी रीड कर पाएंगे वहाँ पे क्लिक करके, और साथ ही साथ साथ वाले लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई भी कर पाएंगे। फिर भी आपको लगे कि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको जरूर आपके क्वेश्चन के जितने भी आंसर है वो दे दूंगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली जो जॉब अपडेट है उसकी जानकारी आपसे मिस ना हो जाए। तो एक एक करके दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों अलग अलग पोस्टों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 18/5/2020 से आवेदन शुरू हो जाएंगे, 22/6/2020 तक आवेदन चलेंगे, इसी के बीच में आपको आवेदन करना है। और यहाँ पे दोस्तों एक एक करके पोस्टों के बारे में बात करते हैं। दो चार पोस्टें ऐसी हैं जिसमें जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप आके नोटिफिकेशन रीड करें, यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहली रिक्रूटमेंट है ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है अगर आपने BSc फिजिक्स या केमिस्ट्री में करी हुई है आप इलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 60% आपके कम से कम मार्क्स होने चाहिए, बाकी अगर आप SC ST कैंडिडेट आते हैं तो 55% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस की आपको जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, अगर कंप्यूटर की जानकारी आप ज़्यादा रखते हैं तो आपको ज़्यादा जो है वो प्रेफर करा जाएगा। उसके अलावा ये माइनिंग मेट की और बॉयलर कम कंप्रेसर अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट है, इसमें जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, रीड कर लीजिएगा। अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे दोस्तों माइनिंग मेट की एक रिक्रूटमेंट है, अगर यहाँ पे आप इंटरमीडिएट पास हैं और साथ में मिनिमम आपके 50% जो है माफ कीजिएगा 60% मार्क्स हैं जनरल और OBC के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप आते हैं SC ST से तो 55% मार्क्स के साथ ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अगर आपने 10वीं कर रखी है 60% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स के साथ SC ST वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप ग्रेजुएट ऑपरेशनल ट्रेनिंग के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड जो है वो रहने वाला है, जिसमें आपको 33,000 बेसिक सैलरी मिल जाएगी, अलाउंस अलग से डाले जाएंगे, सैलरी अच्छी खासी इसमें जो है आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आप अप्रेंटिस के लिए अलग अलग सैलरी का क्राइटेरिया रखा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप आवेदन कर देंगे उसके बाद का ये क्राइटेरिया। हाँ, सैलरी देखना चाहते तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। एग्जाम सिटीज़ के बारे में यहाँ पे जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने बताया कि 16 सिटी जो है वो ऐड करी गई, यानी कि हर एक स्टेट के आसपास जरूर एग्जाम होने वाला है, तो ज़रूर इसके लिए आवेदन कीजिएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो होगा 2 घंटे का, यहाँ पे 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और यहाँ पे दोस्तों जो है वो किसी भी तरह की पेनल्टी आपको किसी भी रॉन्ग आंसर के लिए यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, फीमेल कैंडिडेट चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं या आप SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है, पर बाकियों को फीस देनी पड़ेगी। 500 रुपये की फीस है, ऑनलाइन मोड से पे करनी पड़ेगी। एज लिमिट का जो कट ऑफ डेट है वो है 30 अप्रैल 2020 तक आपकी एज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी एज के लिए भी आपको नोटिफिकेशन रीड करना पड़ेगा, बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी जैसा कि पहले मिलती आई है। उसके अलावा दोस्तों अप्लाई करने के लिए वैसे यहाँ पे लिंक दिया गया, लेकिन अलग से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन 18 तारीख से ही आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों फिर भी आपको कुछ क्वेश्चंस जो है आपने पूछने हैं या आपको कोई टेक्निकल परेशानी आती है फॉर्म फिल करते टाइम, तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस ईमेल पे कॉन्टैक्ट करके उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो यही सब कुछ दोस्तों लिखा गया उनकी नोटिफिकेशन में, और यही था आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी नई जॉब अपडेट के साथ।